In this section, I will explain the five major financing methods that are commonly used by different companies to meet their financial needs. Sabshipeli or Asan Tareen source of financing is loans from friends and relatives. So this particular way of getting finance is the easiest if it is possible. कि इसमें पर्टिकुलरली इफ़ यू आर इनिशिएटिंग और सेटिंग अप बिजनेस अगर आप स्टार्टअप कोई सेटअप करना चाहते हैं तो आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है आपकी कोई कोई बैंक्स में आप फाइनेंसिस को मेंटेन करके एक सर्टन अमाउंट तक रख नहीं सकते क्योंकि आपको जो भी आपके पास सेविंग्स है आपको वो इस्तेमाल करनी है उस पर्टिकुलर बिजनेस को सेटअप करने के लिए तो अगर आपके पास कम पैसे सेव हुए हुए हैं और आपको ज़रा ज़्यादा पैसे चाहिए किसी भी एंटिटी को सेटअप करने के वास्ते तो उसमें सबसे ईजी आसान तरीका ये होता है कि आप यूजुअली लोग अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से वाले साहब से या और रिश्तेदारों से करीबी रिश्तेदारों से पैसे ले लेते हैं कर्जे के तौर पे और उसकी मदद से आप अपने बिज़नेस को जो आपने कोई स्टार्ट करना है बिज़नेस ख़ास तौर पर या अगर कोई और दिक्कत आ गई है किसी चलते हुए बिज़नेस के अंदर तो आप उसको रेडी कैश आसानी के साथ यही हल हो सकता है कि आप उसको फाइनेंस ले, ले लें फ्रॉम योर फ्रेंड्स और रिलेटिव दूसरा तरीका है लीज अरेंजमेंट का लीज अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर आप पैसा चाह रहे हैं कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हमें एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मनी मिलती रहे तो आप अपने कोई भी फिजिकल एसेट को लीज़ पे दे देते हैं और आप उसके अगेंस्ट जो ओनर है उस पर्टिकुलर फ़िजिकल एसेट का उस पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स ले सकता है या रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स ले सकता है जिसके ऊपर इनकम आना शुरू हो जाती है फाइनेंस उसको मिल जाएगा और वो अपने जो भी उसके बिजनेस के खर्चे हैं उनको वो मैनेज कर सकता है उसके द थर्ड वे ऑफ फाइनेंसिंग और द थर्ड मैथड ऑफ फाइनेंसिंग इज कॉमन स्टॉक तो कॉमन स्टॉक is तो का मतलब ये है कि कोई भी कॉरपोरेशन है इट कैन गो टू पब्लिक वो अपने स्टॉक्स इशू करती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके और उसमें वो क्या करती है एक्विटी ऑफर करती है जो भी इन्वेस्टर्स उसके स्टॉक्स बाय करेंगे उनको वो अपने शेयर्स या ओनरशिप के अंदर हिस्सेदार बना देती है और उनसे मनी ले लेती है अपने फाइनेंसिंग के नीड्स को सेटिस्फाई या फुलफिल करने के लिए चौथा तरीका जो है दैट इज़ डेट विद वारंट्स डेट विद वारंट्स का मतलब ये है कि अगर आपको थोड़े से अरसे में अपनी कोई भी डेट आपने लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट करनी है आपको मनी दरकार है तो उसके तरीका ये हो सकता है कि आप फिर डेट विद वारंट्स जारी कर दें डेट विद वारंट्स होता क्या है वारंट्स आर बेसिकली द कॉल ऑप्शंस जिसमें आप जो ओनर्स हैं उनको राइट टू बाय शेयर्स देते हैं अपनी कोई भी कंपनी के स्टॉक्स को इशू करके एट अ फिक्स प्राइस और बेसिकली जो वारंट्स हैं ये ऑप्शंस हैं तो अगेन दे दे आर नॉट Uh, there is no obligation on the the buyer of warrants to actually buy the shares आप उसके लिए कोई price set up कर देते हैं और उसके अगेंस्ट आपको pay करना और वो जो भी आपने stipulated time period के लिए warrants जारी किए हैं तो फिर वो आपको पैसे pay करेंगे और आप उस मनी मनी से अपने जो भी आपके कोई डेट सर्विसिंग का अगर कोई डेडलाइन आ रही है तो आप उससे अपने वो मैनेज कर सकते हैं फाइनेंसिस की नीड्स को और जो आखिरी और पांचवी जो मेथड है फाइनेंसिंग की दैट इज नोन एज द फैक्टरिंग दैट इज नोन एज फैक्टरिंग रिसीवेबल्स फैक्टरिंग रिसीवेबल्स का मतलब ये है कि आप एक कंपनी को हायर कर लेते हैं और उसको उसकी रिस्पांसिबिलिटी बना देते हैं कि वो रिसीवेबल्स लेगी और जो भी रिसीवेबल्स उसके पास आएंगे फिर वो उनको इन्वेस्ट करेगी क्योंकि दे आर बिलीव टू बी नोइंग मोर अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एज कम्पेयर टू यू तो आपके बिहाफ के ऊपर वो रिसीवेबल्स लेते हैं और फिर वो उनका बेसिकली काम क्या होता है कि दे आर स्पेशलिस्ट इन इन्वेस्टिंग रिसीवेबल्स और इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को हम कह रहे हैं फैक्टरिंग जनरली फैक्टरिंग बोलते हैं या वी कैन कॉल देम एज फैक्टरिंग

किस मकसद के लिए उनको मनी चाहिए ये तमाम फैक्टर्स को वो मद्देनजर रखती है और इन पांच मेथड्स में से वो कोई एक मेथड पे चली जाती है कि उस अपने लिए फाइनेंसेस को जनरेट